मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार हाई रही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऐसे कई फैसले लिए गए जिसकी चर्चा हिंदुस्तान भर में खूब देखी गई है। इसमें एक बुलडोजर न्याय, बुलडोजर एक्शन ने सीएम योगी को एक राजनीतिक ब्रांड बनाने में मदद की थी। इसके अलावा इसी का सहारा लेते हुए अपराध के प्रति सख्त मुख्यमंत्री की छवि तैयार हुई, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां कानून के शासन प्रशासन पर अक्सर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर बुलडोजर एक्शन का राजनीतिक तौर पर बहुत फायदा मिला, और देश भर में योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के बीच बुलडोजर बाबा बन गए। इस बुलडोजर एक्शन की धमक धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से निकलकर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रही है। यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अपनाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने यह आरोप लगाने के लगा कि बुलडोजर सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई कब कब कहां की गई। राष्ट्र के आवास के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं, लाइए स्क्रीन पर। जुलाई 2020, जगह कानपुर, विकास दुबे के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। हर कोई जानता है कि विकास दुबे कौन है। इसके बाद नवंबर 2020, भदोई में माफिया विजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसके अलावा अगस्त 2022 को गौतम बुद्ध नगर में श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। 19 जून 2024 को लखनऊ में अवैध मंदिर गिराया गया। 29 जून 2024 को बरेली में राजीव राणा के आलिशान रिसोर्ट पर कार्रवाई हुई। अगस्त 2024, प्रतापगढ़ के रोहित पांडे का अवैध निर्माण को गिराया गया। ये लगातार सुर्खियां बनाता रहा। ये तो कुछ ऐसे नाम हैं जहां आप कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अलग अलग जगहों पर भी बुलडोजर चलवाया है। और ऐसा नहीं है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला। कांग्रेस की सरकार रहते राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी वैसे ही मामलों में बुलडोजर चलवाया जैसे योगी आदित्यनाथ का। यानी सीएम योगी का बुलडोजर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में फेमस है बल्कि विपक्ष का भी योगी आदित्यनाथ के मॉडल को अपनाते हैं। और बुलडोजर एक्शन का विपक्षी कनेक्शन क्या है वो भी लगातार मैं आपको बताता रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से अवैध संपत्ति, सरकारी संपत्तियों पर जिस तरीके से कब्जे हो रहे हैं अवैध निर्माणों के जरिए, उन पर भी सरकार को सख्त होने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे बहुत माफिया भी बैठे हैं अलग अलग फील्डों में जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उन पर भी कार्रवाई का इंतजार आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है।